नमस्कार जी सर साहब जी क्या नाम है जी आपका सरोज यादव जी कहाँ से हैं जी आप जी गांव डगनिया तहसील धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हूँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली जी मुझे संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा चले हुए दो साल हो गए जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी जी मैं सभी देवी देवताओं तक पूजा करती थी पहले तो सबसे पहले तो मेरे शिव जी एकदम इष्ट थे शिव जी से मैं बहुत प्यार करती थी पूरे सावन भर में उनको जल चढ़ाती थी उपास रहती थी फिर नवरात्रि का भी व्रत करती थी उसके बाद में मैं, मैं हरिओम में भी आसाराम से भी गुरु बनाई हूँ राधा स्वामी सत्संग में भी गई हूँ और इस, इसके बाद ना ईसाई धर्म में भी कन्वर्ट होने वाली थी उस वहाँ भी गई हूँ उसके बाद ओम शांति में ना पाँच साल में साधना की हूँ जी तिरुपति बालाजी गई हूँ वैष्णो देवी भी गई हूँ सत्रह घंटा का यात्रा करी पैदल यात्रा हमारे छत्तीसगढ़ में जो डोंगरगढ़ है धर्म स्थल वहां गई हूँ तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई जी सभी जगह धक्के खा के जब सभी निराश हो जाते सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं सभी हॉस्पिटल बंद के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सभी मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं सभी तांत्रिकों के तांत्रिक विद्याएं काम करना बंद कर देती है फिर आदमी हताश होकर आत्महत्या करने जाते हैं जी जब आत्महत्या करने गई तो किसी ने प्रेरणा किया कि पूर्ण संत इस धरती पर आए हुए हैं क्यों ना उसी से नाम दीक्षा ले लें जी ऐसी क्या मजबूरियाँ आईं कि आप आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई क्या परेशानियाँ थीं आपको विस्तार से बताइए जी मुझे तो पहले तो मैं दस दो में हम लोग बहुत सुखी थे मेरा लड़का जब पाँचवीं पढ़ता था छठवीं में जब गया तो हम लोग ना हमारे तहसील धमदा है वहाँ पर ही हम लोग आ, ओम शांति का केंद्र है ओम शांति का केंद्र है तो मेरा बेटा वहाँ जाने लग गया जाते जाते ना बोलता है कि मम्मी मुझे ना शिव बाबा दिखते हैं तो मैं बोली क्यों पगला गया है क्या तू रे तो बोलते नहीं महा शिव बाबा दिखते हैं मैं जाऊँगा तो मैं बोले ठीक है मैं भी जाऊँगी तो बोलते कि हम लोग गए वहाँ नाम दीक्षे ले लिए बोले पवित्रता धारण करना पड़ेगा तो मैं पवित्रता धारण की हूँ पति पत्नी का जो होता है सब दूर हुआ मैं मतलब साधना करने लगी साधना करने लगी। जब साधना करते 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 बहुत नील हो गई ऐसे मैं यहाँ धरती से ऊपर आकाश में उड़ जाती थी और मुझे मतलब ब्रह्मा बाबा जो है प्रजापिता ब्रह्मा जो है वो उनसे बात करती थी वो दिखाई देते थे मुझको उसका सूक्ष्म रूप दिया दिखाई देता और मैं भी सूक्ष्म रूप में रहती थी और उनसे मतलब गुरु बनाई थी उन्हीं को जी ब्रह्मा बाबा जो लेखराज बाबा हैं जिनका नाम राजख राज नाम है और जो वहाँ पर ही माउंट अबी उनका ब्रह्मा कुमारी पंथ का बहुत बड़ा फाउंडेशन है पहले तो हम लोग ऐसे गए थे कि मन का शांति होगा कि मोक्ष मिलेगा क्योंकि शिव बाबा शिव बाबा हैं और शिव बाबा को मैं अपना इष्ट देव मानती थी तो मैं अपने मुक्ति के लिए गई थी अपना कल्याण कराने के गई थी लेकिन वहाँ जाने के बाद में मेरे घर में इतने सारे भूत प्रेत और घर में आने लगे पीछा करने लगे साथ में सोने लगे साथ में खाने लगे इतना टांडो करने लग मैं सोए रहती थी मेरा चादर खींच के ले जाते थे मैं ऐसे मतलब सोए रहती थी और मेरे घर में वो काम करते थे भूत 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 भूतिया बहुत सारे काम करती थी मेरे को चूटी काटने लगते थे एक दिन क्या हुआ कि ना हमारे घर में ढलाई हो रहा था मतलब ना लेंटर हो रहा था तो लेंटर होते होते मैं लड़का पानी डालने लग गया पानी डालते रहते हम लोग कोई लड़ाई नहीं किए झगड़ा नहीं किए मेरे बच्चा मतलब और उसको फांसी लगाने चले गए बरगद के पेड़ में फांसी लगा लिया तो उसको हम लोग निकाल के लाए हैं फिर रात को चले गए हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा श्रीनाथ नदी है वहां पर ही वो कूदने के लिए अपना आत्महत्या करने के लिए गया उसके बाद में फूड पॉइजन रखा हुआ था जो हम लोग टमाटर के दवा इसमें फसल में यूज करते हैं वो खा गया उसके बाद फिर मैं उसको दवाई को छुड़ाई हूँ सब बल्ले कि मेरे को मारने आ गया अपने पापा को गलत दबा के मार दिया घर से भाग गया फिर उसको पकड़ के लाए हम लोग दस बारह दिन के बाद में उसके बाद ना वो फिर मट्टी तेल डाल के आगे आग लगाने लग गया तो हम लोग जब शांति ओम शांति में गए हैं पहले तो हम लोग बहुत सुखी थे अच्छे थे बहुत अच्छे थे सब परिवार अच्छे मेरे दो बेटे हैं और हम लोग पति पत्नी चार हैं बहुत अच्छे लेकिन ओम शांति में जाने के बाद में मेरी दुर्गति ऐसी हुई ऐसी दुर्गति हुई जितने जन भी ओम शांति में हैं मैं उन लोगों को प्रार्थना करती हूँ बहन भाइयों कोई ओम शांति में ना जाए वो काल का पंथ है काल ब्रह्म है ज्योति निरंजन है जो इक्कीस ब्रह्मांड का मालिक है ब्रह्मा विष्णु का पिता है दुर्गा का पति है ओम शांति शांति नहीं है वहाँ बहुत क्रांति क्रांति है जितने जन भी जाते हैं सभी आत्महत्या करते हैं मैं बहुत जन के घर में जा कर देखी हूँ मेरे घर में दुर्गत्ति हुई है मैं उसका भूत वो भाग गया उसका भूत पर हमारे घरों में रह गया मेरे मैं एक दिन ऐसी खेत जा रही थी मेरे पैर को एक तांत्रिक ने खराब कर दिया मैं अपाहिज हो गई अपाहिज हो गए मैं दोनों पैर बैंड हो गए मैं ना इतना सारा रिपोर्ट लेके आई हूँ कितना कितना दिखाऊँ बहुत सारा रिपोर्ट है मेरे पास पाँच किलो का रिपोर्ट है <coughs> मैं बहुत दुखी थी तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराए एम्स में इलाज कराएँ करा सुनील के यहाँ बहुत ऐसे इलाज कराए हूँ बहुत सारे रिपोर्ट है मेरे पास जब मैं सभी दरवाजे बंद हो गए सभी धर्मों से परेशान हो गई जब मुझे कहीं पर ही शांति मेरा कहीं पर ठीक नहीं हो पाई मैं ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने जा रही थी उसी दिन फिर मुझे किसी लेडीज़ ने बताया कि तू तो क्यों हिंदू धर्म हो के ईसाई धर्म में क्यों कन्वर्ट होने जा रही है तो मैं बोले क्यों जहाँ शांति वहीं तो जाएंगे क्या बोले कि नहीं हमारा यादव जो कृष्ण है क्या वो कम है क्या उसका सुदर्शन चक्र कम है एक चक्र चलाने से कितने सारे सभी को एक कर देते हैं तो बोले कि नहीं बोले बहन ठीक है मैं ईसाई धर्म में नहीं जाऊँगी फिर मैं घर आ गई घर आने के बाद में मैं घर आई तो मैं बहुत दुखी रहने मुझे अस्थमा भी था अस्थमा ऐसा था कि मैं बहुत अस्थमा था मैं 24 घंटा गर्म पानी पीती थी हर जैसे चाय पीते हैं वैसा मैं गर्म पानी पीती थी 2400 घंटे पीती थी मैं दूध का कोई भी चीज़ नहीं खा सकती थी केला मूली दूध दही कुछ भी नहीं खा सकती थी और मैं मैं सांस लेने में भी बहुत पाना मैं इनहेलर भी लेती थी मेरे एक के महीने का पंद्रह दिन का इनहेलर का खर्चा था चार सौ पच्चीस रुपया अभी तो बहुत बढ़ गया क्योंकि दस साल हो गया उस बीमारी को उसके बाद में ना मेरे को ये ये एम्स का है एम्स का है ये एम्स में बहुत इलाज कराई मैं बहुत सारा फाइल है मैं कितना सारा दिखाऊँ बहुत है एम्स में इलाज कर रही मेरा स्तमा ठीक नहीं हुआ उसके बाद में ना मुझे मुझे घुटनों का प्रॉब्लम था घुटनों में मेरे घुटनों के जो कटोरी का हड्डी है वो निकल गया था वो तांत्रिक के द्वारा निकाली गई थी मतलब ओझा दुनी करके निकाला गया था मुझे पता नहीं था इस बारे में क्योंकि मैं ना उन सब चीज़ों को उन अंधविश्वास को मानती नहीं थी और यह है सर जी ये ये भी मेरा है रिपोर्ट की मैं घुटने का एक्सरे करवाई थी हमारे करवाई थी लेकिन ना किसी डॉक्टर ने आ, इलाज को मेरे मुझे मेरे पैरों को ठीक नहीं कर पाया और दो, दो बार प्लास्टर होने के बावजूद भी मेरा घुटने का जो कटोरी है वो ठीक नहीं हुआ है और जो मेरे बच्चेदानी का समस्या था क्योंकि बच्चा दानी में मेरे डॉक्टर बोलते थे तो ऑपरेशन करना पड़ेगा बेटा लेकिन तुम्हारे बच्चे दानी में थोड़ा सा भी दाग नहीं है मैं कैसे निकलूं तो इतनी स्वस्थ लग रही है तो मैं ब्लीडिंग मेरा ब्लीडिंग जो है चार महीना के नल के जैसा बहता था लेकिन मुझे कमजोरी थोड़ी सी भी नहीं होती थी क्योंकि परमात्मा का शक्ति पहले से मेरे सिर पर आ गया था मुझे ना डॉक्टरों से और ओझाओं से कोई फायदा नहीं मिला जी कोई लाभ नहीं मिला फिर मैं हार के संत रामपाल जी चरणों में आ गई बहन जी आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था आप बहुत सारे पंत संतों के पास गईं और बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी हार हारकर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आईं तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बीमारियां परेशानियां ठीक हुई जी मेरी बीमारी सभी सभी बीमारी ठीक हो गए संत रामपाल मैं कैसे गई हूँ ये भी बता देती हूँ आपको मैं जानती भी नहीं थी तो फिर एक दिन एक बार और दो चार महीने के बाद में, में पुस्तक सेवा करने वाले आए थे गाँव में बोले कि बहन ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें तो बोलते हैं कौन कौन ब्रह्मा का पिता है कौन विष्णु की माँ शंकर का दादा कौन है हमको दे बता <laughs> तो मैं बोली आ गया है कि शंकर का दादा कौन है शंकर का दादा शंकर तो सभी का दादा है सर्व सृष्टि रचन हार है शिव परमात्मा है तो मैं बोले बकवास उकवास मत करो यहाँ से आप लोग चले जाओ नहीं तो मैं दे दूंगी आप लोग के एक झापड़ ऐसे करके खींच के बोली सर तो वो लोग बेचारी लोग डर के भाग गए पुस्तक का रेट ज़्यादा नहीं था दस रुपये मात्र था मैं दस रुपये का पुस्तक नहीं ले पाई इतना सब कुछ संपन्न होते हुए भी दस रुपये का पुस्तक नहीं ले पाई फिर मुझे प्रेरणा हुई ना मैं जबर जबरदस्ती नाम दिखाने लेने गई क्यों गई क्योंकि मेरा बेटा पागल था मेरी बहू उनको छोड़ के चले गई थी घर से बेटा जो खा था मेंटली प्रॉब्लम था सर उसको वो पूना गया था पुना से उसको वही भूत प्रेतों ने पकड़ लिया था जब वो घर नहीं आया था सर एक हफ्ता पहले उसका तबीयत खराब हुआ और घर नहीं आया था तो हमारा घर सर जैसे लगता है किसी ने जिंदा लाश को रख दिया है और बदबू आ रहा है बहुत बहुत बहुत, बहुत बदबू आता था, था तो मैं ना ऐसे अमृत जल रखती थी मतलब वो जो गंगा जल होता है और ऐसे रखती थी वो शंकराचार्य का फोटो रखती थी जो बजरंग का एक करते थे तो मैं ऐसे ऐसे करती थी ऐसे ऐसे करती थी और गंगल जल का कर छिड़काव करती थी तो भूत इधर मेरे पीछे फिर इधर मेरे पीछे कभी मेरे आगे, तो मैं उससे बात करती थी मैं कि देखो भूत पर ऐसे मुझे डर तो नहीं लगता लेकिन मैं पूछती हूँ तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो क्यों पड़े हो बताओ मेरे को क्यों परेशान करना चाहते हो इतना मैं अपने मैं तो किसी को परेशान नहीं करती कभी किसी का एक रुपया नहीं खाई हूँ अगर मैं खिलाती हूँ तो मैं लेती भी नहीं हूँ ऐसा करके अगर अच्छे आत्मा हो तो आप लोग चले जाओ क्यों मेरे को परेशान कर रही हो ऐसा करके दो दिन नहीं हुआ सर मेरा बेटा आ गया पागल हुआ एकदम पागल नंगा घूम रहा है मेरे पति मेरे पति और मेरे बेटे जो है न, पुना गए थे खाना मतलब काम करने के लिए गए थे बिल्डिंग का काम करने के लिए हम लोग आ गए फिर हम लोग देवादा में उसको भर्ती किया मेरे बेटा को देवादम पच्चीस से पच्चीस दिन रहा एक लाख रुपया लगा यही नानंदगाँव नंदगाँव नान ज़िले में देवादा करके अंजोरा देवादा करके एक हॉस्पिटल है मेंटली हॉस्पिटल वहाँ ठीक नहीं हुआ सर वहाँ ठीक नहीं हुआ उसके बाद में मैं जितने ओझा तांत्रिक है जितना पैसा मांगते थे सर मैं उतना पैसा दी हूँ लेकिन किसी तांत्रिक का उस पर असर नहीं हुआ ऐसे तिरसुल उठा लेता था मारने के लिए ऐसे पता नहीं क्या क्या खाते थे मैं बहुत उसको छब्बीस साल का लड़का जवान लड़का नंगा घूमता था सर मुझे बहुत बहुत रोना आता था मैं परमात्मा अगर कहीं पर धरती पर है परमात्मा तो मेरे बच्चे को आगे मचा ला ले रातों दिन रोती थे बहुत रोई हूं अगर किसी को विश्वास नहीं है कि मेरा बेटा हंग पागल नहीं था ओम शांति में जाने के बाद मेरा बेटा पूरा पागल हुआ है तो मेरे गांव में डंगनिया है तहसील तो जिला दूर आके देख सकते हैं मेरे बेटा को जिन पकड़ा था को ना बांध के रखती संकल में बांध के रखती पलंग में इतना सामान है फिर भी ऐसे ऐसे उंगली करके ना ऐसे उठा लेता था दरवाजा तोड़ के भाग जाता हम लोग उसके बहुत बहुत बांध के रखे हैं ये देख सकते हैं देखिए 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 मोबाइल में है मैं रखी हूँ ये फोटो दो साल तीन साल पहले का फोटो है अभी तो मेरा बेटा ठीक हो गया गुरु जी के सन्नों में आने के बाद में ये मेरा फोटो है देखो जब मेरे बच्चे को ना तबियत खराब हुआ था मैं लड़का को जब मैं बचाती थी जहाँ नहीं ओझा तांत्रिक के पास लेके जाती थी ओझा जा तांत्रिक ने मेरे ऊपर वार करना पड़ दिया मेरे ऊपर भूत को ना फेंकना चालू कर दिए मेरा घुटना खराब हो गया देख सकते हैं मेरा फोटो झूठ नहीं बोल रही हूँ मेरा हाथ में पूरा चिपक गया था हड्डी और दोनों घुटनों का जो कटोरी है निकल गया था एक तो भी सेट हो गया मालिक की दया से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले हाउ जी बहुत लाभ मिला है मालिक के चरणों में बाद में मालिक ने पूरे मेरे मुझे ऐसे उठा लिया जी ऐसे अपने हथेलियों हाँ में उठा लिया अपने पलकों पे बिठा लिया है सदगुरु रामपाल जी महाराज ने पूर्ण परमात्मा है धरती पर आए हुए हैं कबीर परमात्मा के अवतार रहे गुरु जी से नाम दी छली हूँ जब नाम दी दिछलिए आई ना सदगुरु रामपाल जी महाराज से बहुत परेशान थी जो तीन साल से मेरा घुटना नहीं मुड़ा था वो वो तीन दिन में आरती में बैठने के बाद मेरा घुटना मुड़ गया और ये जो मेरा हड्डी चिपक गया था ऐसे ऐसे नहीं होता था अभी भी नहीं होता थोड़ा थोड़ा बचा है मतलब ऐसी है तो वो भी सब ठीक हो गया मतलब ना एक हफ्ते में ना मेरा अस्थमा भी ठीक हो गया और मैं सभी हो गया मेरा लड़का भी जो मेंटल था वो भी घर वापस आ गया वो भी नाम दीक्षा ले लिया उसकी पत्नी भी आ गई मैं नाती भी आ गया सब हो गया परमात्मा एकदम अच्छे रखे पहले मैं साइकिल भी नहीं ले, ले सकती घर में दो दो बाइक हैं और अभी एक हफ्ता हुआ है मैंने आठ लाख का गाड़ी टाटा सोमो लिया हुआ है सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका उजड़ा परिवार बस गया आपकी बीमारियां भी ठीक हुई तो जो महिलाएं आपको देख रही हैं आप उनके लिए एक जीता जागता उदाहरण है उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी पहले तो मैं बताना चाहती हूँ सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा तांत्रिकों को मानते हैं भगवान को कम मानते हैं तांत्रिक नब्बे मानते हैं और भगवान को दस मानते हैं तो मैं जितने भी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उन लोगों को प्रार्थना करना चाहती हूँ कि तांत्रिकों चक्कर में मत पड़ो अपना पैसा बर्बाद मत करो समय मत बर्बाद करो धरती पर भगवान आए हुए हैं इन नाम लो अपना कल्याण कराओ और और भी बोलना चाहती हूँ जो ब्रह्मा कुमारी में जुड़े हुए हैं खास करके जा ओम शांति में जुड़े हुए हैं जो कुआरे हैं कि बोलते हैं कि हम हम पवित्र रह के हम अपना स्वर्ग में जाएंगे एक ऐसा स्वर्ग नहीं है कुछ नहीं है आप लोग ना कुछ मत करो वहाँ से हटो मैं ऐसा कुछ कुछ नहीं बोल रही हूँ कि आपके आपके पति दुश्मनी कर रही हूँ कुछ नहीं कर रही हूँ सिर्फ ना मैं बोल रही हूँ वहाँ से आप जाओ काल का पंथ है काल का मंत्र देता है कुछ नहीं है वहाँ खोखा है कुछ नहीं बिल्कुल कुछ नहीं आप लोग ना ब्रह्म कुमारी के लिए खास करके मेरा निवेदन है क्योंकि ओम शांति में जाने के बाद मेरा घर उजड़ गया था गुरु जी के चरणों में आने के बाद में मेरा घर सुधर गया है सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद में और जो लोग दुखी है भाई बहन कई टीवी चैनलों पर सतगुरु रामपाल जी का सत्संग आता है उसमें एक पीली पट्टी चलती है उस पीली पट्टी में नंबर लेकर आप कॉल कर सकते हैं जानकारी ले सकते हैं नाम दिशा भी ले सकते हैं और फिर बुक भी मंगवा सकते हैं और छत्तीसगढ़ में कई नाम दाम केंद्र है तो आप कॉल करके पता लगा सकते हैं और नाम दिछा ले सकते हैं और अपना कल्याण सदगुरु रामपाल जी आयस धरती पर आए हुए हैं अपना मुख कर रहा है धन्यवाद जी सत साहेब जी